मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जहां एक ओर कांग्रेस में हार को लेकर चिंतन मनन हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के अंतर्गत सेवा दल के समय स्थापना दिवस पर 40 लाख के लगभग आबादी वाले इंदौर शहर से कांग्रेसी आयोजन में शामिल हुए। लगभग 40 लाख आबादी वाले शहर में गिनती के कांग्रेसी शामिल हुए। वहीं इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नदारद रहे। हालांकि परंपरा के अनुसार सेवा दल के स्थापना दिवस पर आयोजन संपन्न हुआ इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने इस दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार जरूर हुई है, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। वहीं प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मैं नहीं हम के मूल मंत्र के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर दमदारी से तैयारी में जुटी है। सभी नेता अभी हम लोग ये इन चीजों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना, हमारे शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि ये फोटो और ये हवाबाजी सब सिस्टम बंद करो, लड़ाई लड़ो, जनता की लड़ाई लड़ो, बस्तियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ। जो कार्यकर्ता हमारे पुराने रहे हैं, जो लोग अगर रूठे भी हैं, नाराज भी हैं, उनके पास जाओ और हम लोग अब अपने संगठन में कसावट ला रहे हैं। और एक जीतू पटवारी जी ने और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अनुशासन की बात कही है कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। देखिए, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना वो करें। हम लोग हमारे कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस की लड़ाई हम लोग बहुत ताकत से लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव की हमारी तैयारियां शुरू होगी। देखिए, अभी राहुल गांधी जी की यात्रा का शेड्यूल पूरा, मध्य प्रदेश की तारीखें नहीं आई हैं। वो दो बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और हम लोग सब मिलकर उस यात्रा को सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से राहुल जी का ये बड़ा कदम है, मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर की एक बड़ी न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, स्वागत योग्य है। और राहुल जी एक ऐसे महात्मा गांधी जी के बाद वही ऐसे साहसिक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व में भी 3500 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी और अभी फिर से 6200 किलोमीटर की एक विशाल बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं उस यात्रा के लिए राहुल जी को और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ और हम लोग उस यात्रा में जब जब वो मध्य प्रदेश में रहेगी, समूचा मध्य प्रदेश राहुल जी के साथ रहेगा। इंदौर भी शामिल रहेगा इस यात्रा में? जी, मुझे अभी ऐसा प्रोग्राम बन के आया नहीं है, मध्य प्रदेश में दो बार जरूर आएंगे। अब वो इंदौर का शेड्यूल क्या बनता है, आज नागपुर में स्थापना दिवस भी है और वहाँ पर एक इस कार्यक्रम की बड़ी रूपरेखा तैयार होगी। जैसे ही हमारे पास मध्य प्रदेश का कार्यक्रम आएगा, आप लोगों को हम जारी करेंगे।